डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। यस, कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की लगातार मिल रही चेतावनियों के बीच कहीं भी भीड़ जुटती है तो चिंतित होना स्वाभाविक है। लंबे समय से धार्मिक व सामाजिक कार्यक्रमों में सामूहिक भागीदारी बंद होने के बाद मिली छूट के बीच यह चिंता और बढ़ जाती है। सावन के पहले सोमवार को 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में बेकाबू भीड़ के कारण मची भगदड़ को भी इसी चिंता से जोड़कर देखा जा सकता है। महाकाल मंदिर में दर्शन को आतुर भीड़ को काबू करने में वहां मौजूद पुलिस जवानों व मंदिर के सुरक्षा कर्मियों को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। पिछले दिनों में राज्यों में कावड़ यात्राओं से लेकर संक्रमण के खतरे वाले दूसरे अन्य आयोजनों पर रोक का मकसद भी भीड़ को रोकना ही रहा था। श्रद्धालु बैरिकेड्स तोड़कर जबरन मंदिर में प्रवेश कर जाएं तो इसे आराध्य की इच्छा का नाम तो नहीं दिया जा सकता। आस्था के साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि कहीं हम कोरोना की तीसरी लहर को न्योता तो नहीं दे रहे। यह सवाल उन तमाम कार्यक्रमों से जुड़ा हुआ है जहां 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी जैसी अनिवार्यता को लागू कराना मुश्किल भरा काम होता है। ऐसी भीड़ में वे लोग भी शामिल होते हैं जिन्हें लगता है कि कोरोना की विदाई हो चुकी है। वे भी भीड़ का हिस्सा बनते हैं जिन्हें पता सब है लेकिन कायदों की पालना में ढिलाई बरतते हैं। संक्रमण का सवाल अपनी जगह तो है ही, भीड़ भाड़ वाले ऐसे स्थानों पर हादसों का खतरा भी बना रहता है। शुक्र है महाकाल के मंदिर में सोमवार को मची इस भगदड़ में अनहोनी नहीं हुई। कई आराधना स्थलों पर कई बार भगदड़ की ऐसी स्थितियां ही कई लोगों के लिए जानलेवा साबित हुई है। सवाल किसी एक वर्ग समुदाय का भी नहीं है। हमारे बचाव के लिए यदि कोई कानून कायदे तय किए जाते हैं तो इनकी पालना कराने वालों के साथ साथ धर्मानुयायियों को भी सतर्क रहना होगा। सावन माह में देश भर के प्रमुख शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की आवाजाही बढ़ रही है। ऐसे में बड़ी जरूरत इस बात की है कि किसी भी हाल में भगदड़ के हालात पैदा न हो, यह सुनिश्चित किया जाए। श्रद्धालुओं को निश्चित दूरी के साथ कतार में लग कर ही दर्शन करने की अनुमति दी जानी चाहिए। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि दूसरी लहर के लिए भी राजनीतिक चुनावी रैलियों व कुंभ जैसे आयोजनों को ही ज़्यादा जिम्मेदार माना गया था। इसकी भी बड़ी वजह यही थी कि न तो आयोजनकर्ताओं ने बंदिशों की परवाह की और न ही इनमें शामिल होने वालों ने सतर्कता की अनदेखी। भारी ने पड़ जाए इसका ध्यान रखना ही होगा। पाई पेराचेंज, सबसे पहले तो उन लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए जिन लोगों की कोरोना वायरस से मौत हुई और उनकी मौत को हम स्वीकार तक नहीं कर रहे हैं। हम लोगों को एक साझा माफ़ीनामा उन लोगों के लिए लिखना चाहिए जिन लोगों ने
कोरोना के दौरान जान गंवाई, जिनकी लाशें गंगा में तैर रही थीं, लेकिन उनकी मौत को स्वीकार तक नहीं किया। मैंने सेक्रेटरी जनरल से भी बात की। संसद के दो सत्रों के बीच कभी इतनी मौतें नहीं हुई। सांसद राजीव सातव की उम्र थी क्या जाने की। रघुनाथ महापात्रा जब भी मुझसे मिलते थे गले लगाकर कर कहते थे, जय जगन्नाथ। वे भी नहीं है, यह पीड़ा व्यक्तिगत है। आंकड़ा मैं नहीं कहना चाहता, अपनी पीड़ा में आंकड़ा देखिए। एक व्यक्ति भी देश में नहीं है जिसने अपनों को नहीं खोया। ऑक्सीजन के लिए लोग फोन करते थे, हम उपलब्ध नहीं करवा पाते। दिन भर 100 फोन करते थे, 2 में सफलता मिलती थी। जिन लोगों ने जान गंवाई है वे हमारी नाकामी का एक जिंदा दस्तावेज छोड़कर गए हैं। यह सामूहिक नाकामी है, अब तक की सरकारों की सामूहिक नाकामी है। आप कहेंगे 70 साल में कुछ नहीं हुआ, लेकिन यह कलेक्टिव फेलियर सभी सरकारों का है। जब बाहर निकलते हैं तो बहुत बड़ा विज्ञापन देखते हैं, मुफ्त राशन, मुफ्त दवाई, मुफ्त इलाज का। यह कल्याणकारी राज्य है न? अगर एक टिकिया साबुन गांव में कोई खरीद रहा है तो अडानी अंबानी के बराबर का करदाता है। आप उसको कह रहे हो कि मुफ्त, मुफ्त वैक्सीन, मुफ्त इलाज, मुफ्त राशन, नहीं, कुछ भी मुफ्त नहीं है। उसका स्टेट है, इस फेयर स्टेट का कमिटमेंट है। उसे आप कमतर मत करिए, उसे बोना मत बनाइए। ये आग्रह है मेरा। हम राइट टू हेल्थ की बात क्यों नहीं करते? इसमें कुछ भी किंतु परंतु नहीं, सीधे संवैधानिक तौर पर गारंटी राइट टू लाइफ के साथ जोड़िए। इसे फिर किसी अस्पताल की मजाल नहीं कि वह खिलवाड़ कर पाए। राइट टू लाइफ का आप करना नहीं चाहते, राइट टू वर्क पर काम करिए। पॉपुलेशन को लेकर बहुत बातें हो रही हैं, डेमोग्राफी को डेमोग्राफर्स पर छोड़ दीजिए। बड़ा जटिल विज्ञान है, लेकिन ये हम कर सकते हैं। इस और उस सदन में जब आईसीयू और बेड के लिए हाहाकार मचा हुआ था, दवाई के लिए हाहाकार मचा हुआ था, उस समय केवल केंद्र ही नहीं कई राज्य सरकारें भी नदारद थीं। 1.5 महीने इस मुल्क ने कैसे बिताया है? हमारे सदन के कई लोग मुश्किल से बच के आए हैं। मेरा एक छात्र 37 साल का है, उसके लिए अस्पताल का बेड जब तक मैंने अरेंज किया वह दुनिया छोड़ के जा चुका था। इसलिए इसमें व्यक्तिगत पीड़ा को ढूंढिए, तब हम इसका निदान ढूंढ पाएंगे। मेरी नाव तुम्हारी नाव, मेरा काल तुम्हारा काल, इस भोकाल से आपको कुछ हासिल नहीं होगा। उस समय यह कहा गया कि सरकारें फेल नहीं हुई, सिस्टम फेल हुआ। सिस्टम के पीछे एक संरचना फेल हुई। इसे सिस्टम का नाम मत दीजिए, क्योंकि यही वह सिस्टम बनाते हैं। इसको लेकर किसी से शिकायत नहीं कि आहत हूँ, जगाना चाहता हूँ स्वयं को भी, आपको भी। गंगा में बहती लाशें जिन्हें सम्मान नहीं मिला जिंदगी में, सम्मान चाहिए, लेकिन मौत से उससे भी बड़ा सम्मान चाहिए। अगर इसे हमने ठीक नहीं किया तो
आने वाली सदियां माफ नहीं करेंगी। इश्तहार छपवाओ, अखबारों के पन्ने रंग दो, फलाना थैंक यू कह लो, इतिहास को थैंक यू कहने का मौका मिलना चाहिए। अगर फिर भी मेरी किसी बात से किसी कष्ट पहुंचा हो तो लाखों मृतकों की तरफ से माफ़ी मांगता हूं। स्टॉप।